भीषण कष्ट है। नारायण 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 सैने की भी सीमा होती है प्रभु। ये तो मंदराचल पर्वत की कराहट है, भला इन्हें क्या पीड़ा है जो ये करा रहे हैं? ये तो वहां चलकर ही पूछना होगा। नारायण नारायण ये कष्ट और नहीं सहा जाता, कुछ उपाय करे कुछ उपाय। नारायण नारायण मंदराचल क्या कष्ट है तुम्हें, करा क्यों रहे हो? देवर्षि अब तो सर्वदर्शी और सर्वज्ञ है, क्या आप नहीं जानते कि सागर मंथन के कारण हुए इस दारुण कष्ट को मैं अब तक भोग रहा हूं? सागर मंथन के कारण? हाँ, देवता और दानवों ने मिलकर सागर मंथन किया था। हाँ, किया था। उस समय वासुकी नाग को रज्जू तथा मुझे मेरुदंड बनाया गया था, ये तो आप भली भांति जानते हैं। हाँ जानता हूँ मैं मंदराचल, मैं जानता हूँ, किंतु उस घटना को घटे तो कई युग बीत चुके हैं, इस समय वो प्रसंग कैसे आया और उसका तुम्हारी कराहट से क्या संबंध है? संबंध है देवर्षि, संबंध है। ये देखिए, वासुकी नाग के घर्षण से मेरे शरीर की क्या दशा हो गई है देवर्षि। घर्षण से सारी त्वचा छिद गई है और विष मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। उस विष का दाह अब तक मेरे शरीर को पीड़ित कर रहा है। ऋतु परिवर्तन के साथ ये पीड़ा रहकर उभरने लगती है और तब ये कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता देवर्षि। शरीर की पीड़ा कराह बनकर बाहर आने लगती है। शिव 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 हृदय विदारक, हृदय विदारक। मेरा विचार था कि भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से उत्पन्न विष पी लिया और नीलकंठ बन गए तो जगत की समस्त विष बाधाएं दूर हो गई होंगी, किंतु तुम अब तक उस विष से पीड़ित हो, यह तो स्वप्न में भी कोई सोच नहीं सकता था। नारायण नारायण। परंतु आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप स्वयं यहां आए और मेरी दुर्गति से परिचित हुए। कृपा करके इस पीड़ा से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं, अब और ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। मंदराचल, जगत की भयंकर से भयंकरतम पीड़ा भगवान भोलेनाथ की आराधना से दूर हो जाती है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि तुम्हें ये सत्य कैसे ज्ञात नहीं और तुमने भगवान भोलेनाथ की आराधना अब तक आरंभ क्यों नहीं की? शिव आराधना। हाँ मंदराचल, शिव आराधना, पर तुम करते भी कैसे? समय से पूर्व कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, किंतु अब अनुकूल समय आ गया है। तुम इसी समय से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव आराधना प्रारंभ करो। मुझे पूर्ण विश्वास है नीलकंठ तुम्हारा ये कष्ट अवश्य दूर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य आपको यहां तक ले आया है देवर्षि। मेरे कष्ट निवारण का उपाय बताकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस सदा सर्वदा आपका आभारी रहूंगा। मंदराचल, आभारी को तब रहना जब इस भारी पीड़ा से मुक्त हो जाओ। इस समय तुम भगवान भोलेनाथ की आराधना तुरंत आरंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। भगवान भोलेनाथ की आराधना में तुम अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। नारायण नारायण।
शिवा।